सर लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ऋषि द यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर के साथ आपकी कई लेगेसी जो रही उसमें खूबसूरत फिल्म के लिए भी कोई किस्सा है, आपने कुछ मना कर दिया था कि वो पिक्चर आप नहीं करेंगे, ऐसा कुछ था? ऋषि दा ने घर में बुलाया मुझे, तो वो अपने बेड पे बैठे हुए थे, उनके पास 3-4 कुत्ते थे छोटे छोटे, तो वो कुत्तों को चाय पिला रहे थे मुझे कहा कि गुड्डू मेरा पेट नेम है जी जी जी, तो गुड्डू मैं पिक्चर शुरू कर रहा हूँ और तुम उसमें हीरो। मैं बोला रिशिदा हीरोइन कौन है, तो बोले रेखा, तो मेरा मुंह उतर गया एकदम। उसने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला रिशिदा मैं शायद नहीं कर पाऊंगा पिक्चर, क्योंकि रेखा जी शायद मना कर दे मेरे साथ काम करने के लिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ और इस ऐसे चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी हैं कि बड़ी बड़ी हीरोइंस ने मना कर दिया मेरे साथ काम करने के लिए। तो ऋषिदा उसके मना करने से पहले मैं ही कह देता हूँ कि मैं नहीं करना चाहूँगा, तो ऋषिदा बोले राकेश गुड्डू वो हो ना हो पिक्चर में लेकिन तुम ज़रूर हो गए। क्या बात, तो मेरे को अच्छा लगा उनकी ये बात सुनकर, पर ज़्यादा अच्छा ये लगा कि उनका फिर फ़ोन आया मुझे शाम को कि गुड्डू तुम तो ऐसे ही कह रहे थे, जब मैंने रेखा को बोला कि गुड्डू है राकेश रोशन है हीरो, तो वो तो बहुत खुश हुई। एंड व्हाट अ मूवी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। सो आई एम इंडेटेड टू रेखा जी फॉर एनकरेजिंग मी एट दैट मोमेंट, एंड देन शी बिकेम लाइक अ फैमिली मेंबर एंड वी कैरी ऑन। या एंड देन तो खून भरी मांग जब इन्होंने रेखा जी को रेखा जी के साथ बनाई, तो ओ माय गॉड व्हाट अ अगेन व्हाट अ हिस्टोरिक कॉम्बिनेशन। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब आ रहे हैं वो जिनको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग, इंडियन आइडल बनने के कड़क दावेदार ऋषि सिंह।
sir. Rishi, वाकई में बहुत मजा आया. जब तुम गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है. सितारों की महफिल में गूंजेगा तर्राना. वो सोचा कि कहाँ सुनी है मैंने ये आवाज. फिर मुझे याद आया कि जब ऋतिक गाता है, गुनगुनाता है, तो सेम आवाज है. Wow. और मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक के लिए अगर तुम कभी प्लेबैक दोगे तो उसको बहुत सूट करेगा. Am I right, विशाल? क्या बात है? मैं ऋतिक से कहूँगा कि आपके दो तीन लाइन फोन पे सुन ले और वो क्या कहता है मैं देखना चाहता हूँ. अरे क्या बात है सर. लेट मी हेल्प यू. मैं फोन लगाता हूँ. श्योर सर. Once again, I'm putting you on speaker. Rishi, Hrithik here. Come close to the phone. Come. Hello, sir. Hello. Hi, Rishi. Sir, nice to speak to you. Sir, thank you, sir. Sir, thank you so much. Sir, मैं literally अभी shiver कर रहा हूँ. मेरी पूरी body shiver कर रही है. और मैं समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूँ. Sir, but sir, आपका मैं बहुत बड़ा fan हूँ, sir. Literally, sir, बहुत ज़्यादा बड़ा. मेरे पापा आपके fan हैं अभी इस वक्त. And सर मैं आसानी से वो तारीफ करते नहीं है. यू शुड नो दैट. प्लेजर सर. प्लेजर सर. वेरी वेरी नाइस टू मीट यू ऋषि. थैंक यू सो मच सर. ऋतिक हाय. ऋतिक कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू. Hrithik, this is Vishal. Vishal, yeah. We were hoping you would hear Rishi sing a couple of lines for you. Then we were thinking of taking him to the studio to audition him for the one we are doing next. Jiska naam main yahan nahi lunga. Oh my God, that's an excellent plan. Come on, Rishi, let's go for it. Whoa! I'm blowing. Sitaron ki mehfil mein gunjega tarana ke hoton pe aaya hai dil ka fasana ar dil ne दिल को पुकारा लो मैं आया मिलने दोबारा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. वाओ ऋषि, मैं इसीलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं फोन पर हूँ. बट योर वॉइस हैज सो मच पावर मैन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मींस अ लॉट सर. थैंक यू सो मच. विशाल, माय डैड इज राइट. पापा सही हैं. आई थिंक यू हैव अ प्लान. लेट्स मेक दिस हैपन. एब्सोल्युटली. ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. या ऑसम. आई एम सो ग्लैड टू हियर यू से. Thank you. We love you, Hrithik sir. We love you. अब आ रही है वो जिनका दीवाना आएगा फ्रॉम अयोध्या की धरती. फाइनलिस्ट विदिप्ता चक्रवर्ती. विदिप्ता, तुमने दोनों मेरे बहुत फेवरेट गाने गाए हैं और तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी फीलिंग है, एक्सप्रेशंस हैं, जो आर्टिस्ट के लिए बहुत इजी होगा परफॉर्म करने के लिए. और तुम्हारी आवाज में एक 90s की झलक भी है. वाओ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है. और खूबसूरत भी हो बहुत. थैंक यू सो मच. तुम्हें तो लेके पिक्चर बनाना चाहिए. और ऐसा होगा एक दिन, देखना. गाना भी गवाएंगे, पिक्चर भी बनाएंगे. क्या बात है. तो इसके बड़े भाई का अगर कोई रोल हो तो सर प्लीज मुझे याद रखना. हाँ जी.
सर जो हमने गाना गाया कहना पहले वो उसका जो फिल्म है तो वो हमारा मोस्ट मतलब फेवरेट रोमांटिक मूवी है, तो उसमें ऋतिक सर का जो मतलब एक्टिंग है वो तो वैसे ही फेवरेट है हमारे। तो सर हमारा सवाल ये है कि वो मतलब क्या बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे? हाँ, जब हम कॉलेज में थे तो उनके सामने दो ऑप्शन था, यस सर, या तो ओवरसीज जाएं पढ़ाई के लिए या मेरे साथ जुड़ के मेरे असिस्टेंट बन जाए। तो मैंने ऑप्शन दोनों रखा उनके सामने, मैंने आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो? तो उसने सोच समझ के एक दो दिन के बाद कहा कि अच्छा पापा मैं नहीं जाता, मैं आई विल बिकम योर असिस्टेंट। तो असिस्टेंट तो बन गया, पर उसको पता नहीं था कि ये बहुत टफ लाइफ है। हम नाश्ता एक टेबल पर करते थे लेकिन गाड़ी में एक साथ शूटिंग पर नहीं जाते थे, स्टूडियो वो बस में ही आता था। ओ पैकअप के बाद भी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठता था, वापस भी उसी तरह उसे घर आना है। हम आउटडोर शूटिंग पे जाते थे तो वो ट्रेन में जाता था, हम प्लेन में जाते थे। हम 5-star होटल में रहते थे, वो छोटी सी होटल में रहते थे जहाँ सारी यूनिट रहती है। एक साथ एक अकेले रूम नहीं मिलता था, 3-4 लोगों से शेयर करना पड़ता था। तो जो एक्सपीरियंस मैं गुजरा हूँ मैं भी चाहता था कि वो भी उसी एक्सपीरियंस से गुजरे और सीखे। एक बार वो आया मेरे पास, हम नैरोबी में शूटिंग कर रहे थे, तो बोले पापा मैं नहा सकता हूँ आपके रूम में? मैं बोला क्यों, वहाँ से नहा के नहीं आए, लेट उठ रहे थे? बोले नहीं नहीं, वो वहाँ पे पीला रंग का पानी आ रहा था तो मैं नहा नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और वो सीखता गया। क्या बात, क्या बात। फिर जब कहूँ प्यार है, मैं कहानी ढूंढ रहा था कोयला के बाद कि क्या बनाऊँ, किसके साथ बनाऊँ। मुझे किसी ने कहा कि इसमें कोई नया लड़का हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोमांटिक फिल्म होगी। तो बोला हाँ नए लड़के के सोच रहे हैं, तो ऋतिक भी बड़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि ऋतिक को ले लेंगे। ही वॉज वेरी लीन एंड थिन, डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट आप कभी अपनी फिजिक नहीं बना सकते, आप डांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड में, पर ही चैलेंज एवरीथिंग एंड ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग विद बुक्स एंड स्लोली स्लोली विद बुक्स ही केम्स टू डंबल्स एंड डंबल्स से उसने फिर ये सब अपनी फिजिक बनाई। क्या बात है। सोचिए ऋतिक के स्पाइन में प्रॉब्लम है, सोचिए मतलब जब नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पाइन है ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम वही है। Unbelievable. What a story. Best dancer, best physique, best actor. Hrithik Roshan sir ke liye zordar taaliyan yaar. Kya baat hai. Vidipta ke liye zordar taaliyan. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.